अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइशा लाइव विद किड्स। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब, आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और यहाँ पे बज रहे हैं शाम के 4, और क्योंकि आज जो है वो हस्बैंड की वापसी, आज वो आ रहे हैं, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं कि हॉल से हिल ही नहीं रहे हैं, और बार बार जो है वो गेट देख रहे हैं कि कब आएँगे अब्बा, कब आएँगे। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कुछ नाश्ता बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ, ये बहुत ही पसंद है और काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं बना रही हूँ। और साथ में मैंने सोचा कि कुछ चाय पे जो है स्नैक कर देती हूँ, तो मैंने चीज़ी पिज़्ज़ा बनाया। मेरे हस्बैंड को ना मार्गरीटा पिज़्ज़ा बहुत ही पसंद है, तो मैंने सोचा वो बना लेती हूँ। और पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि अचानक से यहाँ पे दिल्ली में ना बारिश स्टार्ट हो गई और तेज़ हवा के साथ, तो मुझे ना फीवर हो गया अचानक से, और ज़ुकाम भी, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, तो मुझे बहुत ही तगड़ा ज़ुकाम हो गया था। तो मैंने सोचा बच्चे हल्का फुल्का जो है वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे 5:30 हो गया था, तो इनके ट्यूशन वाले वो सर आ गए थे, मैंने सोचा कि एक बनाकर वो चाय के साथ भिजवा देती हूँ। और यहाँ पे समझ ना पिज़्ज़ा देखकर, तो वो हॉल से आ गया, अपनी पढ़ाई उड़ाई छोड़कर आ गया, किचन में बैठ के खा रहे। तो यहाँ पे जो है हस्बैंड आ चुके हैं, और बच्चों की खुशी देखी अब्बा के आने से। तो मैंने ना यहाँ पे नाश्ता दिया, तो उन्होंने बोला कि जो है तुम सबसे पहले मुझे चाय पिला दो, अपनी चाय जो है घर की इतनी मिस किया कि ऐसी चाय मिली नहीं। तो मैंने जो है फटाफट से अच्छी सी चाय बनाई, और उसके बाद फिर चाय पीने के बाद फिर यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट्स भी आए थे बच्चों के, बहुत सारे टॉयज़ और कार, क्योंकि ये सब दोनों की ही फेवरेट है। तो दोनों यहाँ पे देखिए कितने बिज़ी हो गए हैं कि मुझे कुछ मतलब मुझे भूल ही गए हैं। तो यहाँ पे ये सब बना रहे हैं, क्या गेम है कार का, और यहाँ पे अब्दुल समद के सारे टॉयज हैं। लाओ ना, किधर से लगाऊं इसे? मुझे तो आता ही नहीं, इसको ऐसे लगा देते हैं। मेरा पीछे जा रही है। बैठे तो और मैंने सोचा था ना कि मैं एक चीज़ बना दूंगी, चिकन बिरयानी, लेकिन वो जब मैंने बनाने जाने लगी ना, तो उन्होंने बोला नहीं, चावल ओवल नहीं, तुम रोटी बनाओ, बहुत दिन हो गया रोटी खाए हुए, तो तुम रोटी का जो है वो आइटम बनाओ। तो मैंने जो है फटाफट से चिकन बनाया, और रोटी और चावल, और चिकन वाले आ गए हैं, तो अब जो है वो चिकन डेली बनेगा, कोई ना कोई जो है डिश होगी ही। और यहाँ पे मैंने फटाफट से बना लिया था, और उसके बाद जो है रोटी भी साथ में बना ली थी। ये है कि अपनी कहीं भी जाओ ना, तो अपने घर ऐसी चाय कहीं मिलती नहीं, बहुत मिस करते हैं अपने घर की चाय हम लोग। और यहाँ पे जो है खाना वगैरह सब बन चुका था, और हम सब जो है वो खा भी लिए थे, और बच्चे इतने खुश थे ना कि उनकी नींद वो सब गायब हो चुकी थी। यहाँ पे रात के 1:30 बज रहे थे, और इन सबों को नींद आ ही नहीं रही थी, पूरे टॉय जो है नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया, और ऊपर से अब बेड पे शिफ्ट हो गया। और यहाँ पे कोई रेसिंग कार चला रहा है, और उसके बाद जो है अब बेड पे जो है सारी कार चलने लगी। हाईवे है पापा, अभी देखो मियां आते आऊंगा, यहां से कोट कूंगे आपकी तलक को मार दूंगा, इसको भी मैं। पेट्रोल पंप है, ये यहां से गाड़ी आएगी ना बेटा, ये सब नहीं बोलते हैं। इधर कहां आ रहा है? अबे रास्ता इधर से जा रहा है ना, एरो नहीं देख ले हो क्या? अंदर उसके बाद ना यहाँ पे सब लोग जग रहे थे, तो मैंने दोबारा से चाय बनाकर दे दी। और ये मेरी जो है गिफ्ट्स हैं, पर्स है मेरे लिए, और एक ना सबसे बड़ा जो है सरप्राइज़ गिफ्ट मुझे मिला, वो ये है कि मेरा फर्स्ट जो वो ट्राईपॉड, क्योंकि मैं अभी तक ऐसे ही वीडियो शूट करती थी किसी ना किसी तरह, लेकिन ये जो है मेरी लाइफ का फर्स्ट है सरप्राइज़ गिफ्ट, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये, और मुझे काफ़ी पसंद भी आया, तो यूज़फुल चीज़ है ये मेरे लिए। और उसके बाद ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जो है दूसरे दिन जो है मैं लंच की तैयारी करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि कीमा और शिमला मिर्च बना लेती हूँ।
और हस्बैंड ना बच्चों को लेकर गए हैं। मैंने कहा कि ड्रेसिंग जो है आज नहीं होगी, आज वो टाके कट होंगे और अब उसको खुला रखना है। तो आज मैं नहीं गई थी, मैंने जो है बच्चों को बोल दिया कि अब्बा के साथ चले जाओ, तो अब्बा जो है वो हॉस्पिटल लेके गए हैं बच्चों को। तो मैंने सोचा फटाफट से खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने तेल में ज़ीरा डाला, प्याज डाला और चिकन का कीमा ऐड कर दिया, और इसके बाद जो है सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए, टमाटर और शिमला मिर्च ये सब ऐड कर दिया और अदरक लहसुन, और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। तो मैं ना ये सूखा कीमा बनाऊँगी, इसको ग्रेवी वाला नहीं। उसके बाद फिर मैं खाना वाना बनाकर अपने रूम में आ जाती हूँ। सारी कार चला चला कर और चॉकलेट्स जेली ये सब से ना एकदम पूरा स्टिकी हो गया था रूम। तो सबसे पहले मैंने जो है रूम क्लीन किया, बेडशीट वगैरह चेंज की, और ये अलशिफा हॉस्पिटल है ना उसके सामने फ्रूट्स की बहुत बड़ा जो है वो शॉप है, तो वहाँ से बच्चों को मैंगो दिख गया था, तो उन्हें याद था कि मम्मा लेती है, तो आज भी वो दोनों लेकर आ गए। तो जो है और ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ हो गई है, अब साथ को जो है अच्छा फील होने लगा है, और यहाँ पे कितना ये फ्रेश मैंगो लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि पेड़ से तोड़ा हुआ है, शेटेड जैसे हम लोग आर्ट कर बनाते थे वैसे ही एकदम था, येलो एंड रेड ग्रीन। तो मैं वीडियो की यहाँ से एंडिंग करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह।